इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां विधानसभा चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। तो 39 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। तो बैठक में दोनों राज्यों के चुनावों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर ही बात हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि ये लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस बार जो है छत्तीसगढ़ से जो पहली लिस्ट जारी की गई उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार जिन उम्मीदवारों के नाम इस पहली लिस्ट में जारी किए गए हैं, बीजेपी ने किस रणनीति के तहत इस बार ये लिस्ट जारी की है? जी उदय, ये देखिए, एक तो सबसे पहले सरप्राइज फैक्टर है ये बीजेपी का। जिस तरह युद्ध में जो सरप्राइज फैक्टर होता है, उस तरह उन्होंने काम किया है कि अचानक एक सूची जारी की है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस सूची में सबसे बड़ी जो घोषणा है वो है हाई प्रोफाइल पाटन सीट की, जहां से खुद सीएम उम्मीदवार हैं। तो उस पाटन सीट पर उन्होंने पिछली बार जिस विजय बघेल पर भरोसा नहीं जताकर उनकी टिकट काटकर उनको लोकसभा भेजा था, अब उनको लोकसभा का टिकट समझ लीजिए कट गया उनका, उनको विधानसभा में पहले से उतार दिया। पहले भी विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच मुकाबला होते रहा है और विजय बघेल ने दो बार उनको परास्त किया है। तो ये विजय बघेल का जो ट्रंप कार्ड है वो बीजेपी ने खेला है और समय भी पर्याप्त उनको दिया जा रहा है कि आप कि ये ना कह सके कि हमको चुनाव के पहले टिकट दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस जो लिस्ट में एक और दिग्गज जो है बीजेपी के, जो पिछला चुनाव हारे थे ओपी चौधरी, जो आईएएस थे, करेक्टर थे, इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी टिकट भी काट कर एकदम नए चेहरे महेश साहू को टिकट दिया गया है। तो ये साफ बता रहा है कि बीजेपी अब इस बार पुराने और जो घिसे पिटे और दिग्गज कहलाने वाले चेहरों पर दांव नहीं खेलने वाली, वो नए चेहरे को लाने वाली है। जी उदय जी, अनिल जी, अगर बात करें तो इस बार कई महत्वपूर्ण चेहरे जो हैं, चाहे वो रामविचार नेताम हो, लखनलाल देवांगन हो, प्रणब कुमार हो, सरला कौसरिया हो, अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं कि कई चेहरों को इस बार जगह दी गई है, जैसे कि आपने नाम भी बताया विजय बघेल जी का। तो इस बार बीजेपी का किस तरह से फोकस है, क्योंकि पिछली हार को भुनाने के लिए इस बार बीजेपी किन मुद्दों को, किन सीटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार की जो बैठक हुई, इसमें सीटों को चार कैटेगरी में बांटा गया है, ABCD, कि जिन सीटों पर बीजेपी को भरोसा है कि यहाँ जीत सकते हैं उनके लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी, जिन सीटों पर हमेशा हारते आए हैं उन सीटों पर अलग रणनीति बनाई जाएगी। तो इस बार जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उन उम्मीदवारों को किस तरह की तवज्जो दी गई है, और इसके अलावा किस खास बात को छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो किस तरह से कांग्रेस को काउंटर करने की रणनीति बनाई जा रही है? कांग्रेस यहाँ पर पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन था कांग्रेस का, और बीजेपी का जो है राज्य बनने के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन था। बीजेपी जो है बहुत कम सीटों में सिमट गई थी। तो बीजेपी इस बार जो है, देखिए 10 सीट तो इस पहली लिस्ट में जो है आदिवासी क्षेत्र की है और एक SC सीट है, तो 29 आदिवासी सीटों में से 10 की तो घोषणा बीजेपी ने आज ही कर दी। मतलब 2.5-3 महीने पहले ही जो है वो कांग्रेस की टिकट जब बंटवारा होगा तब होगा, इन्होंने पहले ही 10 नए जो चेहरे जो है सामने लाकर आदिवासी जो 29 सीटें हैं जो तय करती है छत्तीसगढ़ की राजनीति को, तो उसमें घोषणा करके इन्होंने पहल तो कर दी है। और दूसरी बात यह है कि जब रामविचार नेताम, जिनको पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, उनको भी वापस लाया गया, तो बीजेपी अब सोच समझकर सिर्फ जीतने वाला
जो जीत सकता है उसी चेहरे को पर ध्यान दे रही है। रामविचार नेताम और लखनलाल देवांगन जो है पहले बीच में उनको टिकट काट दिया गया था, तो उसको वापसी लाना जी। उनको वापस लाना एक प्रकार से ये तय कर रहा है बीजेपी जो है, बहुत ठोक बजाकर टिकट दे रही है। तो 5 महिलाओं को भी इसमें जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहली जो 21 जो सीटों की घोषणा की गई, उम्मीदवारों की घोषणा की गई, उसमें एक रायपुर से लगा हुआ अपनपुर क्षेत्र भी है जहां पर एकदम नया प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। तो वो भी जो है वहां पर दिग्गज जो है बीजेपी के सालों से लड़ते आ रहे थे और हारते आ रहे थे, वहां एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ऐसा होता था। धनेंद्र साहू कांग्रेस में थे और चंद्रशेखर साहू या अशोक बजाज ये पुराने दिग्गज थे, इनको किनारे करके नया चेहरा लाया गया। तो बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती थी कि 3 जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी क्षेत्र है और दूसरा मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में भी जो है वो बिल्कुल जाति समीकरण को देखते हुए थोक बजाकर टिकट दे रही है बीजेपी, और आदिवासी क्षेत्र में वो कहीं से चूक नहीं करना चाहती क्योंकि दोनों जो तीनों बार जो रमन सिंह की सरकार आई थी वो आदिवासी क्षेत्र बस्तर में एक तरफा जीत के कारण आई थी, तो इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाह रही है। जी उदय जी, अनिल जी धन्यवाद आपको इस पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इस बार बीजेपी ने 4 कैटेगरी बनाई है, ए बी सी और डी, और इन कैटेगरी के आधार पर आपको बता दें कि इन नामों का ऐलान किया गया है। तो विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिसमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से पूर्व सांसद आलोक संजर जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, एमकेएन में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आलोक संजर बोल रहा हूँ। जी आलोक जी, बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। अगर बात करें तो इस बार जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहले से आगाह कर दिया है कि हमको मिलकर चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर आगे जाना है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा है, फाइनल परीक्षा में हम सब लोग उतरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से हमारे लिए प्रत्याशी दे दिए हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे यही एक आशय है कि हम सब चुनाव जीते हैं। 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सारी सीटों पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो पूरी ताकत से भाजपा का कार्यकर्ता लगेगा कि 39 सीटें जो मध्य प्रदेश में करी हैं और 21 सीटें जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में करी हैं, ये वो सीटें हैं जहाँ पर पहले हम कभी हारे थे और या नहीं जीते थे, तो वहाँ पर अभी से हम प्रयास करेंगे कि कार्यकर्ता जी जान से लगेगा तो सारे किंतु परंतु खड़े कर खत्म करके उन्होंने उसी पैटर्न पर कि हमको महाभारत कैसे जीतनी है उसके लिए हमको योजना बनानी है, वो योजना बना के हम चुनाव जीतेंगे। जी आलोक जी, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में तो सीटों को लेकर 50-50 था बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करें तो बीजेपी की करारी हार हुई थी, 15 सीटें ही सिर्फ बीजेपी के खाते में आई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नैया कैसे पार होगी, क्योंकि भूपेश बघेल तो कहते हैं कि उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए मेरा ऐसा कहना है कि हार और जीत तो एक लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद सबक सीखना और सबक के साथ काम करना मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारा जो निर्णय किया है ये श्रेष्ठतम निर्णय है कि पहले से ही कार्यकर्ताओं को भी आगाह कर दिया और प्रत्याशी तय कर दिया, जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाने का समय मिलेगा और समय मिलेगा साथ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बताएंगे, मतदान केंद्र पर हम काम करेंगे। तो जो हम संभावना है, हम अभ्यास करने की संभावना है और अभ्यास करके उन सीटों को हम जरूर जीतेंगे। जी आलोक जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश को 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।